राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने गांव में, ये देख सकते हैं आप, अपने घर से मैं व्लॉग बना रही हूँ और इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है और उससे डबल खुशी इस बात की है कि आज का डे बहुत स्पेशल है और आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन सातों की पूजा की जाती है, सातों आठों, ये आपने सुना होगा कि पूजा की जाती है जिसमें गौरा और महेश बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है, जिसको कई लोग गवार ऐसे भी कहते हैं। तो आज सबसे पहले क्या होता है, तो मैं आपको एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये प्रोसेस क्या होती है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। तो आज सबसे पहले क्या होता है, जो दिन के टाइम, मतलब जो गाँव की औरतें होती हैं, मतलब हर घर से जो बिरुड़ पंचमी के दिन बिरुड़ आते हैं, उनको जाके आप पानी का जो धारा है वहाँ पहले खुद स्नान करती हैं, फिर बिरुड़ को धोती हैं और फिर उसके बाद घर लाती हैं। और सातों के दिन एक कहावत ये भी है कि सातों के दिन जो माँ गौरा थी वो भगवान शिव से रूठ गई थी और अपने मायके चली गई थी। मैंने बहुत पहले सुनी है तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ होगा, शायद आप लोग भी देख लेना कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो जो माँ गौरा थी वो सातों के दिन रूठ के वहाँ चली जाती है, अपने मायके चली जाती है, ये हर घर की कहानी होती है। तो भगवान ने भी कुछ ऐसा ही किया, तो माँ गौरा रूठ के अपने मायके चली गई। और आठों के दिन कहा जाता है कि भगवान महेश यानी शंकर वो गए और गौरा मैया को मना के ले आए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सातों और आठों की पूजा क्यों की जाती है। सबसे पहले तो इसमें एक जो गौरा होती है और जो भगवान शंकर होते हैं उनको एक प्रतिरूप देने की कोशिश की जाती है, मतलब एक आकृति। अब वो आकृति किस चीज़ से दो, तो जो ये फसल होती है, आजकल फसल हो ही रहती है, तो इनसे, इनका इनसे मतलब एक कुछ ऐसे आकृति देने की कोशिश की जाती है। तो उसको माँ गौरा का रूप देने के लिए उसमें पिछौड़ा, बिंदी, मतलब जो श्रृंगार का सारा सामान होता है वो सजाया जाता है। और फिर आठों के दिन कहते हैं कि भगवान महेश का प्रतिरूप बनाया जाता है, मतलब उनकी आकृति बनाई जाती है और उनको भी उनका जो परिधान होता है जैसे धोती, कुर्ता, ये सब, मतलब पगड़ी पहनाई जाती है। तो उस दिन आठों की पूजा की जाती है। आठों के दिन जन्माष्टमी होती है, तो कल जन्माष्टमी भी होगी। तो कल जन्माष्टमी, मतलब भगवान कृष्ण और भगवान शंकर दोनों की वहाँ पूजा की जाएगी। जन्माष्टमी का तो पता, जो पूजा होती है वो रात ही को होती है, तो सबको पता है 12 बजे कुछ ऐसे रात को। तो ये होती है सातों और आठों की पूजा, और हमारे गांव में ये बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अभी गांव की सारी औरतें सज धज कर जाएंगी, मतलब ठुलकुड़ी, जो आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, वहाँ ये पूजा की जाती है और बहुत मजे आते हैं। बहुत अच्छे से, मतलब जो सजाया जाता है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। मैं तो आज इतनी खुश हो रही हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए घर हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, और मस्त सा व्लॉग बनेगा एक। इसलिए मैं आराम से सुबह उठी क्योंकि मुझे पता था कि व्लॉग बन ही जाएगा। तो क्या क्या होगा, जो जो भी होगा आप लोगों को पूरा दिखाया जाएगा, अपनी संस्कृति से आपको जोड़ा जाएगा। जो लोग यहाँ नहीं है उन लोगों को इस चीज़ का और अधिक अनुभव कराया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, मेरे रहते हुए जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप लोगों को यहाँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर बैठ के हो पूजा कर रहे हैं, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और चलो देखते हैं, सब लोग तैयार होंगे, तैयार हो रहे हैं अभी थोड़ी देर में। जो बिरुड़ वाली प्रोसेस मैं बता रही थी वो हो गई है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट व्लॉग बना रही हूँ तो वो प्रोसेस हो गई है। अब इससे आगे जो भी होगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, और धारी में भी दिखाऊंगी कि वो 5 जगह टीका लगाया जाता है, सब कुछ होता है, वो भी मैं दिखाते हुए आपको ठुलकुड़ी ले जाऊंगी। तो बने रहना मेरे साथ व्लॉग में। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि बिरुड़ को कैसे नौले पे रखे जाता है, तो ये देखो यहाँ पर रखे हुए पत्ते में सारा टीका, अक्षत और बिरुड़, तो उसमें काबुरी वाले चने हैं और सोयाबीन है, तो ऐसे करके रखा जाता है। गेहूँ भी होते हैं और फिर इसको खाया भी जाता है लास्ट में, कल शायद, तो कल व्रत होगा तो कल तो नहीं हो पाएगा खाने का, तो ऐसे कुछ रखा जाता है। और ये पानी का धारा, अभी हमारे अड़ोस पड़ोस मेरे घर की बगल में चाची लोग, अभी हम सब तैयार हो गए, देखो कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी ठुलकुड़ी, और आज मेरी नाक से भी पधारी हैं छोटी वाली चाची, और ये रही मम्मी, और यहाँ रही मेरी अम्मा। अभी गांव की और भी महिला मंडली इकट्ठा होगी तो सबको दिखाया जाएगा कि कौन कैसा बना हुआ है। हाँ, इन लोगों के अलग अलग साड़ियाँ पहनते हैं बंठन के,
मजे है तुम्हारे, क्यों चाची, है ना। लगभग गांव की औरतें सब इकट्ठा हो गई हैं, अब थोड़ी देर ये बातें करेंगी। रियो आपकी बहनी है, कौन ज्यादा अच्छा है, आप या बहनी? बताओ तो। बहनी कितनी शांत है, आप कितना रोते थे बचपन में, है ना। ये भी शांति थी, इधर आओ। तो यहाँ पर अभी जो गवार बनाए जाते हैं, यानी शिव पार्वती जो बनाए जाते हैं, उनका अभी श्रृंगार किया जा रहा है, उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक डलिया ली है, और मलमोल की आमा हर साल ये करती हैं कि उनको सजाती है और उनको वस्त्र पहनाती हैं। और यहाँ पर सब लोग अपने घर से पूजा की सामग्री लेके आए हैं। तो गाइस आपने कान के झुमके तो देखे होंगे, चाची रुक, ये देखो कान के झुमके, ये देखो यहाँ भी कान के झुमके, लेकिन हमारी चाची ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उनको चाचा ने गिफ्ट करे हैं चांदी के झुमके, ऐसा देखा है कभी। अब घर जाके सब कहना कि सोने का सबने दे दिया, अब चांदी के दो, थर्ड डिनर में हीरा मग गया है फिर। ये देखो कान के झुमके आपने देखे होंगे, यहाँ देखो कान के झुमके, चाची चाची कह दे तो गिफ्ट मिला कि बर्थडे गिफ्ट आज, तो आज चाची का बर्थडे भी है तो आज गिफ्ट मिला है। और रियू अपनी बहनी के साथ यहाँ खेलते हुए, रियू रियू आपकी बहनी का नाम क्या है? गौरांशी। काने यहाँ पर काने, आज किसकी पूजा होती है यहाँ बताओ, आज यहाँ किसकी पूजा होती है, और सातों आठों में किसकी होती है? गौरा यानी पार्वती मैया और शंकर जी की, है ना, ठीक है, अब याद रहेगा। किसकी पूजा होती है अब बताओ, किसकी पूजा होती है? गौरी शंकर, गौरी शंकर, है ना। तो यहाँ पर मेकअप चल रहा है, और मेकअप आर्टिस्ट जो बैठे हैं वो सब अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं कि ऐसे श्रृंगार करो। ये देखो यार, अब ये नथ मांगटिका पहनाया जा रहा है। तो गाइज अब दूल्हा दुल्हन तैयार हो गए हैं। आम याद है चा, वो आम तैयार करिया छे, तैयार हो गए हैं, मुकुट भी पहना दिया है। अब थोड़ा फेस का मेकअप करना है, फेस का मेकअप भी मार कर सके, बहुत ही सुंदर। और ये पूरा तैयार करने का क्रेडिट जाता है आमा को, मालमोल की आमा को। तो गौरा मैया और शंकर भगवान को तैयार करने के बाद अब यहाँ पूजा की तैयारी शुरू हो रही है, और सब लोग बैठ गए अपने पूजा वाली पोजीशन में। और ये रियू यहाँ पर मेरी वीडियो बना रही है, क्यों बना रही थी, ब्लॉग बनाएगी, ब्लॉग बनाएगी, किस नाम से, रिया पन, रिदिमा पन, बरसात की छोरी, बरसात की गोरी, मेरा चेतना पंत करके मेरे नाम से बनाएगी, ठीक है। तो गाइस मेरा दूसरा चैनल आने वाला है चेतना पंत करके, और उसमें ब्लॉग बनाएगी रिया, ठीक है, बता मैं बनाऊंगी, बोल कैसी वीडियो बनाएगी, डेली ब्लॉग, जो जो घर में काम करती है, पढ़ाई करने वाली खाली। तो यहाँ पर चल रही है तैयारी, अब जैसी तैयारी होगी वैसी आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। तो शंखनाद के साथ पूजा का कार्यक्रम हुआ शुरू, और ये ठुलकुड़ी में चल रहा है सारा जो पूजा का कार्यक्रम होता है, ये ठुलकुड़ी में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर शंखनाद से दीपू चाचा पूजा कराएंगे। सबको नहलाया जा रहा है अभी गंगा जल से, गाय के दूध से, अच्छा गाय के दूध से नहलाया जा रहा है, मुझे लगा गंगा जल है, हाँ उसमें गाय का दूध है, यहाँ देखो। अभी अपने बाएं पांव के नीचे अक्षत को दबाना है। ओम पृथ्वी ओम आधार शक्ति पृथ्वी नमः, ओम वाराहाय नमः, कमलाय नमः, इत्यासनम संपूज्य। फिर अपनी बहनी की फोटो दिखा रही है।
अब सब संकल्प कर रहे हैं, तो ये पूजा थोड़ा लंबा चलती है, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी, और फिर जब डांस होता है और गाना गाते हैं तो वो चीजें मैं आपको ज्यादा अच्छे से दिखाऊंगी। अभी लंबी पूजा है तो आप लोग भी, मुझे लगता है कुछ कुछ लोग तो अच्छे से देखेंगे लेकिन कुछ कुछ लोग बोर हो जाएंगे, तो सबका ध्यान रखना है कि कोई भी बोर ना हो। तो पूजा के जो जो मेन मेन स्टेप होंगे वो आपको दिखाऊंगी, बाकी चीजें मैं आपको जो इंटरेस्टिंग है वो दिखाऊंगी। पाशाकुर्धरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम् आवाहनं ग्रहणकरनायकः अनाथनाथ सर्वज्ञं गौरवां परिपूर्णेतम् निधिपतिपसोऽहं निजानांसि गर्भतं जासि गर्भतम् आश्रियं वस्त्रम् प्रभो आसनम समर्पयामि एकास्मन् पाणि गणेशा है देना हो या मोरी का नारेणा है देना हो या खुली का गणेशा है देना हो या मोरी का यहाँ पर सब गोल गोल घूम के प्रदक्षिणा करेंगे। ये देखो बच्चों के साथ भी हमारी चाची प्रदक्षिणा कर रही है, कितनी बड़ी बात है। पहाड़ी लोगों का पहाड़ी स्ट्रगल है, और यहाँ पर देखो कष्ट तो बाल्की और घुमड़ में। और देखो आमा से सीखो कुछ, आमा से यहाँ देखो। अरे पहाड़ महिला बहुत कष्ट का, वही तो सब यहाँ पर लगे हैं प्रदक्षिणा करने में। यहाँ पर हमारी माता श्री, किसको आया है बुखार ताई? पहाड़ी महिलाओं को बुखार आता है ताई, लोग भी ऐसा कहेंगे तुम्हारी ताई का हमेशा कैसी बीमार है रही हो, हमेशा ब्लॉग में बुखार बीमार। लेकिन पहाड़ी मेला देखो पूजा के अलावा भी एक्स्ट्रा बातें कर लेती हैं, वो कितनी बड़ी बात है। देखो सबकी प्रदक्षिणा हो गई है, अब जो सबके मतलब जो डोर होती है जो हाथ में और गले में पहनी जाती है वो सबको यहाँ पे पहले अर्पित करते हैं, फिर उसके बाद अपनी अपनी डोर पूजा होने के बाद ले लेते हैं। अभी सब लोग अपनी अपनी जो डोर होती है गले में और हाथ में जो पहनी जाती है वो सबको पता होगा, तो वो अभी सब लोग पहनेंगे अपना अपना। अब यहाँ पर सब संकल्प ले रहे हैं, तो शायद जो अपनी अपनी डोर होती है कुछ ऐसे संकल्प लिया जाता है।
तो गाइस देखो यहाँ पर ऐसे डोर एक हाथ में गले में ताई गले में कल अच्छा आज सिर्फ हाथ वाली डोर पहनी जाती है। यहाँ देखो आम अभी यहाँ लगा रही है डोर हाथ में इसको ऐसे लगाया जाता है और जो गले वाला होगा उसको कल। Yeah.
गाइस ताई की गुजारिश है कि अगर वो ऐसे पिछौड़े से हवा ले रही है तो आप उनके लिए पंखा भेज दो। ताई पंखा चाहिए, एसी एसी भी भेजते हो तो ठीक ही है, ठीक है। ये देखो क्या देख रहे हो, कल वीडियो देखना ठीक है, कल 11 बजे अपनी वीडियो देखना। हाँ तो गाइस रियल स्टोरी यहाँ सुनो, आमा एक बार बताओ क्या स्टोरी है। स्टोरी है मुलादो मेरे लिए ऐसा कहती है, महेश्वर कहते हैं काली मोहरी गौरा दे किया था जंडोर। अच्छा जो मतलब काली है फिर वो गुस्सा हो गए चली जाती है, गुस्सा हो गए अपने मायके जाती है। अपने भैया जी कहती है मेरे लिए डोर और मतलब हार और डोर भैया कहता है मेरे जीजाजी वो कहती है ऐसा कह रहे हैं काली तू तो काली है तेरे पर क्या डोर था
फिर उसका भैया डोर और दोनों बनाते हैं, फिर पहन के मतलब ये रूठने मनाने की प्रक्रिया भगवान के टाइम से चली है, जो औरत गुस्सा होके मायके जाती है ना, लड़की को मायके से डोर और दुर्गा मायके का होता है। अच्छा ऐसा है कुछ, ये रियल स्टोरी जो मैंने आपको सुबह भी बताया था। ताई ताई कभी ताऊ जी से गुस्सा हो गए, काला सिला गए बट माइके हर साल आता है। अच्छा मतलब ऐसे गुस्सा हो के जाने वाली वो नहीं हुई ना, जैसे गौरा मैया गई वाला आने आ जाता है। सही बात, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सुहाग की चीजें भी दी जा रही हैं ताकि अटल सुहाग रहे। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर भी था कि आपको बड़ी वाली नहीं वो पसंद था, आप छोटी ले सकते हो। चाची ने मौके का फायदा उठाया एक्सचेंज करके। आज पुष्पा चाची को नचाएंगे, आज चाची डांस करेगी। मतलब ये बहुत मुश्किल काम होता है चाची को डांस कराना, मैंने आज तक देखा है नहीं, तो देखते हैं अब किसी दिन। बताना कि किस किस को ये गाना समझ आ रहा है, मुझे मतलब अच्छे से थोड़ा नहीं आ पा रहा है क्योंकि प्रॉपर पहाड़ी इसमें यूज की गई है, तो कमेंट करके बताना कि किस किस को समझ आ रहा है। मस्ती करते हुए पुष्पा चाची बीच में घूम के सबसे ऐसे गोल गोल घूम के सबके पैर यहीं से छू ले रही है, बहुत बड़ा फायदा उठा रही है बीच में बैठने का। चाची चाची आज बर्थडे है, एक डांस तो बनता है। बर्थडे है मेरी चाची का, चाची चल चाची चल एक बार बर्थडे में एक बार तो बनता है। पुष्पा चाची का बर्थडे आज, आज बर्थडे है, चलो एक गाना, एक गाना पुष्पा चाची के लिए भी गा दो यहाँ। हाँ प्रियंका का स्टेटस देख के पता चला मुझे कि चाची का बर्थडे आज। तो आज चाची का बर्थडे है, तो मम्मी पता नहीं क्या करने जा रही है, मेरे से कह रही है एक बार कैमरा ऑन कर ले। तो बर्थडे ठुसाओ ठुसाओ चाची को जितना कुछ खिला रहे हो।
तो गाइस बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हो गई है। अब कल की जो डांस वाला प्रोग्राम है वो कल करेंगे, क्योंकि आज काफी लेट हो गया है। तो कल थोड़ा लंबा रहेगा ब्लॉग भी, और कल का ब्लॉग बहुत स्पेशल है, क्यों है वो मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में आपको। और अब सब लोग अभी घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। साई कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आज से भी कल ज्यादा अच्छा लगेगा। कल ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि कल जन्माष्टमी भी है, तो और अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और यहाँ पर गाइस चाची को बर्थडे विश करना बिल्कुल ना भूलना। और उसने परी तो हमेशा पिंक पिंक रहती है, ये भी है। और यहाँ पर देखो, इसको आप बहुत मिस कर रहे होंगे ब्लॉग में। तू करा ही नहीं क्या कदी नाती का गांव की सबसे ज्यादा यही दिखती है। और आप मेरे बाल, लेकिन वो आती भी क्या है अच्छे से, ब्लॉग में ऐसा लगता ही नहीं है कि बोर हो गई है ना, इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। हाँ, हम शिकायत करने वाले हैं, ये देखो हम कह रहे हैं हम दोनों को ले। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि गांव में कैसे सातों आठों ये त्योहार मनाए जाते हैं और क्या क्या परंपराएं रहती हैं। थोड़ा सा हो सकता है कई लोगों के लिए बोरिंग रहा हो, लेकिन ऐसी सेलिब्रेट किया जाता है जो सातों आठों का पर्व होता है। और कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, क्योंकि कल क्या है कि हमारे वहाँ जब जो वो होता है ना जनेऊ लेते हैं, तो जनेऊ बनाते हैं, मैंने दिखाया था कि पापा ने जनेऊ बनाए थे और इसकी प्रतिष्ठा होती है, तो वो चीज़ें इस बार हमारे वहाँ तो वो नॉर्मली रक्षाबंधन के दिन होता है। तो रक्षाबंधन के दिन जैसे गांव में नाटक हो रहा था, कोई मतलब किसी के घर में जब कोई पैदा होता है तो तब नाटक होता है, तो इस अशुद्धि हो जाती है, तो इस वजह से उस दिन नहीं जो जनेऊ वाला पर्व था वो नहीं सेलिब्रेट हुआ था, मतलब नहीं प्रतिष्ठा हुई थी जनेऊ की। तो वो चीज़ें कल होने वाली है, मतलब कल तीन तीन चीज़ें हैं, एक तो कल जनेऊ वाला पर्व होगा, और सेकंड कल जन्माष्टमी भी, और थर्ड कल आठों। तो बहुत मज़ेदार ब्लॉग रहेगा, तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट जरूर करना, मुझे तभी तो पता चलेगा कि ब्लॉग कैसे बन रहे हैं और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे।